कोरोना महामारी के बीच में ब्लैक फंगस ने टेंशन बढ़ा दी है। हर दिन ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं इससे लोगों की जान भी जा रही है। जैसे जैसे ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, इसे लेकर डर भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब सरकार ने कोरोना मरीजों को होने वाली ब्लैक फंगस की बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। कैबिनेट की कोरोना रिव्यू बैठक में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को तमाम जरूरी दवाइयां सभी सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण हेल्थ सेंटरों पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के 3 जिलों में 50 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले, हर दिन लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। इसी तरह से कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा। दिल्ली में फिलहाल 200 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए अलग डेडिकेटेड सेंटर बनाए हैं। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस से लोगों की मौत हो रही है। देश के बाकी राज्यों में भी काफी तेजी से ब्लैक फंगस अपना पैर पसार रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक देश भर में ब्लैक फंगस के 7,200 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। साथ ही इस फंगस की वजह से लोग गवा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।